ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघोराम मिश्रा आप लोगों का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मीन राशि वालों का जून का महीना कैसा जाएगा, इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कार्य क्षेत्र में इनका कैसा मान सम्मान रहेगा, और अगर ये कोई यात्रा करते हैं तो कैसा रहेगा। तो आइए हम बात करते हैं मीन राशि के मामले में। मीन राशि वालों का ये महीना थोड़ा गर्म मिजाजी वाला महीना रहेगा। इनको अपने काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का तो अवसर मिलेगा, लेकिन ये है कि इस कार्य के दौरान आप अपने खान पान पर ध्यान रखिए, समय से भोजन कीजिए, समय से नाश्ता कीजिए, और हो सके तो आप नींद पूरी तरह लीजिए, ये आपके लिए अनिवार्य है। आर्थिक स्थिति आपकी इस महीने में ठीक रहेगी। कुल मिलाकर अगर ये देखा जाए तो आपका संचित धन में वृद्धि होगी। भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध में अच्छा हो रहेगा। भाग दौड़ अधिक आपको करना पड़ेगा, लेकिन भाग दौड़ का परिणाम आपको आशा के अनुकूल मिलेगा। मित्रों के साथ देखा जाए तो मित्र के मामले में भी आपको मित्रों के साथ टहलने घूमने का अवसर मिलेगा, उनके साथ अच्छा टाइम पास भी होगा, मनोरंजन के क्षण भी आएंगे। लेकिन यह है कि मित्रों के साथ हंसी मजाक में आप अधिक उत्तेजना से बचें। शिक्षा दीक्षा देखा जाए तो अगर आप पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हैं तो ये महीना आपके लिए शुभ रहेगा, क्योंकि अगर किसी प्रतिस्पर्धा में आप बैठते हैं तो आपको कार्य सिद्धि होने का योग बन रहा है। अगर आपके संतान भी पढ़ाई लिखाई में किसी तरह का कमजोर है तो आप उसे जैसा सलाह देंगे वो वैसा मानेगा, मतलब बाप बेटों के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे। जीवन साथी, अब जीवन साथी का इस समय आपका बहुत अच्छे संबंध है, दोनों के बीच मधुर संबंध रहेंगे। आप अपने से ज़्यादा अपने जीवन साथी का ध्यान भी रखेंगे और उनके प्रति वफादारी दिखाएंगे। उनके साथ कोई तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं, कहीं टहलने घूमने का भी प्लान बनाएंगे। बहुत अच्छा माहौल में आपकी यात्रा होगी और आपका पूरा परिवार प्रसन्न रहेगा, यानी कि पूरे परिवार के साथ भी आप यात्रा करेंगे। हाँ, जहाँ तक ध्यान है कि आप यात्रा के दौरान अधिक से अधिक उत्तेजित चीज़ों से बचें, जैसे कि नशा पत्ती की चीज़ों से आप बिल्कुल सावधान रहिए। यात्रा के दौरान इसका सेवन तो आप कदापि न कीजिए। जीवन साथी का सहयोग भी रहेगा और आपका अधिकारियों के साथ मान सम्मान बढ़िया रहेगा, उनका सम्मान भी मिलेगा और आप उनको अच्छा सहयोग भी देते रहेंगे। कुल मिला के ये महीना आपके लिए लाभप्रद साबित होगा। मित्रों, मुझे आशा है कि ये मीन राशि वालों के लिए ये मेरा फलादेश अच्छा लगा होगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।